कभी अलविदा ना कहना। सड़क अब सीधा जाएंगे तो आपको म्यांमार बॉर्डर बर्मा पहुंच जाएंगे, तो इधर से बर्मा में एंट्री हो जाएगा अगर भाई। तो यहाँ से एक घंटा आगे का यहाँ पर जो सनसेट और सनराइज का टाइम है वो एक घंटा यहाँ पर आगे। सो आज हम अरुणाचल में फर्स्ट डिनर ट्राई कर रहे हैं। ये अरुणाचली खाना है। वो चावल तो वैसे ही लग रहा है मेरे, वो लोकल चावल है जो असम में खाए थे वैसे ही लग रहा है। ये क्या है? केआरटी चावल है। ये कौन सब्जी है? वो मटन। अच्छा मटन है। मटन इंटेस्टाइन यानी अंडा। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपने देखा कि हम जब असम में थे, लेदो से निकल रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हम अरुणाचल के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अभी जो है हुआ यूँ कि वहाँ से निकलने में हमें काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा कि सत्यनारायण पूजा वहाँ पर चल रहा था। यहाँ का सत्यनारायण पूजा असम का काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो 7-8 घंटे सत्यनारायण पूजा में लगते हैं, जबकि हमारे बिहार झारखंड में तो मैंने देखा है कि सत्यनारायण पूजा सिर्फ 1 घंटे या 1 से 2 घंटे में फिनिश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लंबा चलता है, तो जिसके वजह से कल हमें निकलने में काफ़ी लेट हो गई और रात को 9 बजे हम यहाँ पर पहुँचे अरुणाचल। वैसे रास्ता ही 1 ही घंटा का था, तो रास्ते में अंधेरे के कारण हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया। अभी हम चलते हैं वहाँ पर, एक मॉर्निंग का सीन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, ये रोड के किनारे आप देख रहे होंगे तेरिक रिजॉर्ट लिखा हुआ है, नियर ताइपोंग तिनाली जयरामपुर। तो यहाँ पर विकास भाई बताएंगे कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या है देखने की। यहाँ एक्चुअल में सबसे पहले तो आपको हमारा खूबसूरत नज़ारा अरुणाचल प्रदेश का, हाँ जिला चांगलांग। अच्छा, ये मैं जिला चांगलांग है ना? जिला चांगलांग है ये। हाँ, अभी यहाँ पे बढ़िया सा रिजॉर्ट है। हाँ। और वहाँ पहुँचने से पहले देखिए, ये जंगल एरिया देखिए, ये देखिए कुछ पत्ते वगैरह जो आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हाँ। ये कुछ जेंग पत्ता है, देखिए ये पत्ता का नाम जेंग पत्ता है। देखिए देखिए जेंग पत्ता। हाँ, आपको अभी स्टार्टिंग में मैंने अरुणाचल का जो हमारा हरा भरा जंगल होता है वैसे मैंने आपका दर्शन किया। बाहर के लोग ये चीज़ के लिए तरसते हैं, देखिए ये हरियाली देख रहे हैं ना अभी आप। हाँ, हरियाली काफी बेजोड़ है यहाँ, महसूस कर रहे हैं हवा ठंडा। हवा भी सुबह सुबह ठंडा। मैं तो अरुणाचल प्रदेश जब एंट्री किया उसी समय से थोड़ा कूल लगने लगा था, शाम को यह ठंड थोड़ी ज्यादा थी यहाँ पर। थोड़ा सा हाइट पे भी ये जगह है जी, क्या जी माउंटेन है थोड़ा? हाँ, माउंटेन तो है ही, पहाड़ी क्षेत्र में अरुणाचल, हिमालय के रेंज में जी। हाँ, मतलब अरुणाचल प्रदेश भी आता है। आता है क्योंकि कश्मीर से अरुणाचल तक हिमालय फैला हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश भी आता है। लेकिन ये बात अलग है, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा से लोग कम आते हैं, मतलब जैसे हिमाचल या उत्तराखंड में के हिमालय देखने के लिए जितने लोग जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा रिमोट एरिया हो जाता है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है और टूरिज्म के दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा अभी प्रमोशन नहीं मिल पाया है। और एयरपोर्ट भी यहाँ पर अरुणाचल में सिर्फ एक ही है शायद, वो भी ईटानगर में नहीं है, वो कहाँ पर है? पासीघाट में। तो थोड़ा सा यहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन अरुणाचल काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर फिलहाल तो मैं कह नहीं सकता कि आगे यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो अभी हम जा रहे हैं वो क्या ब्रिज है बताएं? आयरन ब्रिज है। वहाँ आपको मिल जाएगा बाईपास, और उसी बिल्कुल आयरन ब्रिज के बगल पर है आपको टेरिक रिजॉर्ट है। अच्छा, मतलब क्या बोलो, नज़ारा यहाँ से देख लीजिए, जो आपको पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये सब देखिए, पहाड़ वगैरह चारों तरफ पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, सब तरफ पहाड़ है। इस रास्ते पे ये मतलब रास्ता रोड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ आने आ जा रही हैं, तो ये रास्ता आगे कहाँ तक जाता है? ये रास्ता आपका इधर बाईपास है, वो जाता है डायरेक्ट खरसंग। खरसंग जी। अच्छा, खरसंग है, उसके बाद नामसाई मिलेगा। नामसाई जी, नामसाई, फिर तेजू, उसके बाद हाईलोंग। तो अरुणाचल में मतलब कौन कौन से रिलीजन के लोग यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं? यहाँ पे धर्म आपको सभी प्रकार के धर्म आपको मिलेगा यहाँ। सबसे पहले क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, थोड़ा बहुत है मुसलमान, मोमडन, जो मोमडन है, मोमडन कहते हैं। उसके बाद आपको कुछ लोकल ट्रेडिशनल धर्म, जो जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, जैसे हमारा जो क्लासमेट लोग जो यहाँ पे है, हम लोग ने एक साथ पढ़ाई किया, रंगफरा।
तो यहाँ बुद्धिस्ट लोग भी हैं ना कुछ? हाँ, बुद्धिस्ट लोग सबसे ज्यादा क्या हिंदू हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे? आपको मिक्स है, मिक्स है, कह नहीं सकते मतलब। अच्छा, कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक देखा नहीं है मतलब। इधर इधर कुछ कंस्ट्रक्शन हाँ चल रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा अच्छा, नया हॉस्पिटल बन रहा है। आपको वहाँ दूर दिखाई दे रहा होगा आयरन ब्रिज। अच्छा, वो व्हाइट रंग का ब्रिज अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, पता नहीं, तो उसी ब्रिज पे पास हम जाने वाले हैं। और वो रिजोर्ट क्या कोई होटल वगैरह है क्या? होटल, होटल सर। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ रहने को है, खाने को मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही स्पेशल है। देखिए यहाँ पर अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 7 भी नहीं बजा, सूरज जो है उतना ऊपर यहाँ पर उग चुका है, जबकि हमारे यहाँ पर झारखंड में अभी 6 या 6:15 के आसपास अभी सूरज उग रहा होगा। तो यहाँ से 1 घंटा आगे का यहाँ पर जो सनसेट और सनराइज़ का टाइम है वो 1 घंटा यहाँ पर आगे है क्या? जी जी। तो दिन अगर आप सुबह यहाँ पर लेट से उठेंगे तो दिन आपको काफ़ी छोटा लगेगा, और जाड़े के दिनों में तो दिन और भी ज़्यादा छोटा लगने लगता है। जी। तो यहाँ पर दिन की शुरुआत जो है काफ़ी जल्दी हो जाती है क्या? जी सर। पॉपुलेशन है अरुणाचल की काफ़ी ज़्यादा, मतलब लो डेंसिटी है यहाँ पर, पॉपुलेशन बहुत कम है अरुणाचल में, बहुत कम। और पूरे अरुणाचल का जो पॉपुलेशन है जो मैंने देखा है कि 10-12 लाख के आसपास में है। तो सोचिए हमारे अरुणाचल में आपको मैंने देखा है, क्योंकि मेरा जन्म भी अरुणाचल में हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा है ट्राइबल लोगों का, एकता बहुत ही अच्छा, यूनिटी। अच्छा, यूनिटी बहुत अच्छा है। यूनिटी बहुत ही अच्छा है। इन लोगों का जो फेस्टिवल है, विभिन्न विभिन्न जाति वाती जो यहाँ रहते हैं भाई भाई लोग, तो उन लोगों का अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति। जैसे दिस लाइक के, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया, वहाँ क्या होता है, सिंह वाले होते हैं, दीक्षित वाले होते हैं, खुराने वाले होते हैं, खुराना राजपूत वाले होते हैं, सेम उसी तरह यहाँ भी आपको आपातानी, आदि, तांगसा, सिंगफो, नोक्ते, खामती, उसके बाद नीसी, फिर आपको मिलेगा ईदू, मिसमी। ये क्या ग्रीनरी है इधर, पूरा हरा भरा, गजब का ग्रीनरी। ये पूरा जंगल है सर, जंगल है ना जी। देखिए अभी तक इसको बचा के रखा है, देखिए काफी ज्यादा थोड़ा बहुत है, क्योंकि हरियाली, हरियाली को बचाना है, इसको बचाना है, मतलब हमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मतलब हमारे यहाँ एक शहर का पॉपुलेशन 10 लाख होता है, यहाँ पर इतना बड़ा राज्य अरुणाचल, उसका पॉपुलेशन 10 लाख है, तो यहाँ पॉपुलेशन कितनी कम है। मेरे को लगता है कि पूरे भारत में सबसे लो डेंसिटी जो है वो अरुणाचल की होनी चाहिए। जी जी। सबसे लो डेंसिटी पॉपुलेशन के मामले में जी जी। और जबकि वेस्ट बंगाल इसके बगल बगल पे तो नहीं कहेंगे, वेस्ट बंगाल थोड़ा दूर है, लेकिन सबसे हाई डेंसिटी वाला स्टेट है वेस्ट बंगाल। जी जी। तो लगभग इस ब्रिज के पास हम पहुंच चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है अरुणाचल में? हाँ बोलिए। यहाँ पे जैसे कि जो भी खाना वगैरह खाते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया है, अपना ट्रेडिशनल कल्चर, मतलब अच्छा, यहाँ पे पोल्यूशन फ्री। हाँ, पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। अभी तक आपने देखा क्या पोलिथीन वगैरह फेंका, कचरा वगैरह? नहीं, पोलिथीन मतलब कचरा बहुत ही कम मिलेगा। और यहाँ पे हमारा जो सफाई कर्मचारी डिपार्टमेंट भी है, और ये शमशान है सर, ये शमशान है। हाँ जी, शमशान है। अच्छा, ये शमशान है। अच्छा, और ये साइड देखिए कुछ लेक वगैरह दिखाई दे रहे हैं, छोटा छोटा लेक में कुछ पिंक पिंक टाइप। हाँ जी, हाँ, पिंक दिख रहा है, वो सब ग्रीनरी है। अच्छा, वो ग्रीनरी है, हरियाली है वो सब। अच्छा, ये देखिए फाइनली आयरन ब्रिज। हाँ, तो ये देखिए ये वाइट रंग का फाइनली आयरन ब्रिज पे हम आ गए हैं। तो अरुणाचल में इस तरह का मैंने हैंगिंग ब्रिज भी देखा है जी, और वो एक हैंगिंग ब्रिज तो वायर के ऊपर बना रहता है ना, सीलिंग पे, तो ये मतलब वो उस टाइप का नहीं है, ये मतलब एक नॉर्मल रोडवेज में कनेक्ट है, रोडवेज के कनेक्टेड है, उसमें कनेक्ट है। और यहाँ पे सबसे खूबसूरती नज़ारा देखिए, सूखा हुआ गाछ उसके आगे सीनरी देखिए, और पहाड़ देखिए आप, यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू आपसे देखिए। और बिल्कुल उसी ब्रिज के पीछे है रिजॉर्ट, और ब्रिज के नीचे है नदी। वाह, सुपर्ब, वाह। ये इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम तो सर, अब ये एरिया इधर टाइपंग बोल रहे हैं साइन बोर्ड में। हाँ, लेकिन यहाँ पर पानी जो है काफ़ी प्योर होगा यहाँ पर, नहीं जी एकदम बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होगा, पोल्यूशन फ्री पानी देखिए, पानी बहुत ही साफ है, पानी बिल्कुल साफ है, पानी साफ है। इसी चीज़ को देखने के लिए लोग तरसते सर। हमारे तरफ की जो आप हवा को महसूस कर रहे हैं सर, ऑक्सीजन। वाह, सुपर है, सुपर 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 है, सुपर।
हमारे तरफ कहने के लिए गंगा यमुना बहुत बड़ी नदी है, लेकिन इतना ज़्यादा पॉल्यूशन उनमें हो गया है कि देश की सबसे मतलब गंदगी वाली नदी बन गई है। आप अरुणाचल आइए और ज़्यादा नहीं, दो महीना बैठिए, भले कुछ भी काम करिए, दो महीना बैठिए, आपको परिवर्तन आ जाएगा हेल्थ में। काफ़ी सुधार आएगा, मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा। अच्छा, ये इधर ये सब रिजॉर्ट बना हुआ है, ये क्या है? रिजॉर्ट है। अच्छा, यही रिजॉर्ट है। मेरी क्रिसमस। यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, कुछ पार्टी होते हैं, अगर बर्थडे पार्टी करना है। अच्छा, तेरिक रिजॉर्ट यही है ना? हाँ जी, तो वहाँ पर लिखा हुआ था जी। वाह, पूरा अरुणाचल जैसा फील जी आने लगा यहाँ पर। अच्छा, अरुणाचल की मुख्य फेस्टिवल कौन कौन से हैं? अरुणाचल की मुख्य फेस्टिवल, देखिए यहाँ बहुत सारे जातिवादी है, अब अलग अलग जिला में अलग अलग फेस्टिवल है। अच्छा, तो फेस्टिवल ऐसे होता ही है अरुणाचल में। हाँ। एक अरुणाचल फेस्टिवल होता ही है। और उसके बाद आपको यहाँ अभी हम जिस जिले पे हैं, इस चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा पंगसु पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। हाँ। अगर आप दूसरे क्षेत्र में जाएगा, अगर अलग जिला है, तो वहाँ आपको जीरो म्यूजिक फेस्टिवल मिल जाएगा। अच्छा, ये देखिए ये आ गया है, ये आपका तेरिक रिजॉर्ट है। तो यहाँ पर लोग फंक्शन वगैरह कुछ मनाने के लिए आते हैं। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, फूडिंग लॉजिंग सब है वो, देखिए सर। अच्छा, लॉजिंग फूडिंग वगैरह सब है। अब ये बंद भी रहा है, देखिए ये बहुत। हाँ, और इधर कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि जीरो फेस्टिवल वगैरह मना, जीरो लोअर सुबनसिरी जो जिला है वहाँ पे होता है आपका जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। अच्छा, उसके बाद अपना ट्रेडिशनल अपना कल्चर है यहाँ पे, पेड़ी को लेके एक त्यौहार मनाते हैं, अपना अपना धान। हाँ, धान। अच्छा, अपना अपना धर्म नियम और साथ में क्रिसमस। यहाँ भी खेती जो है धान का ही होता है। जी जी, देखिए धान काट के कट गया। अच्छा, धान अभी यहाँ कट चुका है। हाँ जी, ये साइड है भाई। वाह, टी गार्डन यहाँ भी है क्या? वहाँ पर टी गार्डन दिखाई। जी, वो टी गार्डन है। अच्छा, कुछ कुछ यहाँ भी है जी, वो टी गार्डन है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए अरुणाचली कुत्ते। तो ये हमारी अरुणाचल में पहली मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक बोल सकते हैं इसको। तो ये सड़क आगे तेजू तक जाती है ना? यहाँ नहीं सर, यहाँ आपको ये जो सीधा है ना सर। हाँ, यहाँ अगर आपको बोला जाए तो ये अगर सड़क आप सीधा जाएंगे तो आपको म्यांमार बॉर्डर बर्मा पहुँच जाएंगे। तो इधर से बर्मा में एंट्री हो जाएगा अगर भेजा रहेगा तो? सर भीजा रहेंगे तो आप फ्लाइट से तो जाएंगे ना? हाँ, फ्लाइट से जाएंगे, लेकिन बाय रोड अगर जाना होगा तो? बाय रोड का भीजा सिस्टम का यहाँ कोई अभी तक सिस्टम बनाया। अच्छा, नहीं है तो? हाँ, आपको जाना है, आप अवश्य यहाँ नियर बाई जो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है वहाँ से अगर आपका वीजा लग गया है आप जा सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट से। तो म्यांमार आप टूर कर सकते हैं यहाँ से, एक ही चांस है सर। यहाँ से अगर आपको म्यांमार अगर बर्मा जाना है, यहाँ साल में कभी कभी फेस्टिवल होता है जो मैंने आपको पहले बताया था पंगसु पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, उस समय 2 या 3 दिन के लिए गेट खोल दिया जाता है। अच्छा, बट ऐसे आपको डायरेक्ट जाने का मौका नहीं मिलेगा, इतना दूर है बॉर्डर। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह मेंशन करना पड़ेगा, आपका आईडी वगैरह चेक होगा, उसके बाद आपका कुछ टिकट वगैरह आपको मिलेगा। तो उसका मतलब बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से? बॉर्डर यहाँ से सर अगर आप पहले तो आपको नामपुंग जाना होगा, नामपुंग के बिल्कुल बगल में है कुछ, मतलब 100-150 कितना किलोमीटर हो सकता है यहाँ से सर? लगभग होगा ऐसे 150 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो ये रास्ता जो है म्यांमार तक जाएगी। और एक बात सुनिए सर, बहुत लोग टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना, कि उनको भी ये ख्याल होता है कि हाँ मैं तो अभी म्यांमार जाऊँगा, बट अभी फिलहाल बंद है गेट। हाँ, कई बार मिस्टेक भी हो जाते हैं कि हाँ वीडियो में मैंने देख लिया अब हमें जाना है म्यांमार, बट अभी म्यांमार जाने को मौका नहीं मिलेगा, उसी समय मिलता जब फेस्टिवल होता है सर। अच्छा अच्छा, तो इस समय वीडियो में मैं सब कुछ बोल दे रहा हूँ। पंगसु पास इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है या 2 या 3 दिन का फेस्टिवल होता है, उस समय कम्युनिटी का गाड़ी होता है, फेस्टिवल कमेटी उन लोगों का गाड़ी पे आपको ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, और ज़्यादा किराया लेते नहीं, 200 या 300 रुपया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप म्यांमार जाएंगे उसके बाद बढ़िया से आप वहाँ घूमेंगे, फिर रिटर्न होते समय कोई एक गाड़ी उन्हीं लोगों का जो कम्युनिटी का गाड़ी है उसी में आप रिटर्न होना है, इस टाइप का। तो अभी जो है ना हमारा लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पर जयराम नगर में जी। ये देखिए यहाँ परछाई आ रही है, कैमरे की परछाई आ रही है इसलिए आपको शायद नहीं दिख रहा होगा ठीक से। ये जयराम नगर में आ रहा है, यहाँ से बॉर्डर लगता है कि ये म्यांमार वाला बॉर्डर है जी। तो हाँ 100-150 किलोमीटर होगा यहाँ से।
तो इतना सही है, और कुछ यहाँ पर अरुणाचल के बारे में अगर व्यूअर्स। और ये चीज़ देखिए आप, ये रास्ता से कनेक्शन देखिए ना, पहाड़ दिखाई दे रहा है। हाँ तो आगे लग रहा है कि मैंने रास्ता पहाड़ में चल घुस जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब ये वाल है, बंद है भी। हाँ, बंद है रास्ता वहाँ खत्म। हाँ। बट वो खत्म नहीं, वहाँ आपको टर्निंग वगैरह कुछ कुछ मिलेगा। हाँ, जो पहाड़ों के बीच जब मतलब रास्ता जाता है तो दूर से देखने से ऐसे ही लगता है। हो गया और कुछ? और यहाँ पे ये रास्ता, आप जैसे पूछ रहे तेजू का रास्ता ना सर, तो ये जाता है रास्ता। अच्छा, वो रास्ता तेजू जाता है। ये रास्ता आपके बाईपास है, अपर उधर ऊपर जाने के लिए, मैंने नॉर्थ और नॉर्थ तरफ जाने के लिए रास्ता है। ये रास्ता है, यहाँ से आपको आपको जैसे कि हाईलोंग, तेजू, उसके बाद आपको अरुणाचल का जो विभिन्न क्षेत्र है वहाँ आप यहीं से, मैं चाइना बॉर्डर तक उधर जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या चाइना बॉर्डर, वो जो हम टूटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर चाइना बॉर्डर तक जो रास्ता जाता है टूटिंग होते हुए, तो ये रास्ता से भी हम लोग टूटिंग तक जा सकते हैं। लेकिन टूटिंग यहाँ से काफ़ी दूर होगा, कम से कम 200-300 किलोमीटर होगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ कुछ फिशिंग का फिशरी था। अच्छा, ये सब अभी विंटर हो गया, पानी वानी सूख चुका है अभी। हाँ, तो बरसात में पानी आता है। हाँ जी, ये गर्मी के टाइम में। अच्छा, बारिश कैसी होती है इधर, जोरदार होती है कि हल्का फुल्का या मीडियम? जोरदार होता है, जोरदार पानी होता है, बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि यहाँ ग्रीनरी देखने से लग ही रहा है कि बारिश यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती होगी। बहुत ही अच्छा होता है यहाँ रेनी सीजन, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सब जो हट जो है, झोपड़ी वगैरह जो है जी, ये सब ट्रेडिशनल है ना? जी, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रेडिशनल घर है। और यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं जो गाय पाल के बैठे हैं, गाय वगैरह पाले हुए। एक छोटा सा एक गौशाला है नीचे। ये ईटानगर का गाड़ी देखिए सर, अरुणाचल का राजधानी ईटानगर, ये मेऊ से जा रहे हैं। देख रहे हैं से मेऊ? हाँ, ये जो गाड़ी है अब ये मेऊ से होके यहाँ जयरामपुर होके उसके बाद ये जाएगा ईटानगर। अच्छा अच्छा, उधर भी ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, बहुत ग्रीनरी है। तो आगे और कहाँ तक जाने वाले हम? आगे चलिए थोड़ा सा। आप तो बचपन में अरुणाचल में ही रहे हैं ना? जी, अरुणाचल में पैदा हुआ हूँ, सब कुछ। अच्छा, तो आप तो अरुणाचल के बारे में काफ़ी अच्छी तरह जानते होंगे। 10+2 मैंने यहीं से किया है। अच्छा, 10+2 भी अरुणाचल से ही किया है? अरुणाचल से किया है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, CBSE बोर्ड था हमारा। हाँ, हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूल है। अच्छा लगा यहाँ पे, पढ़ाई वगैरह किया, भाईचारा जो अपना क्लासमेट लोग सब विभिन्न जातिवादी सिंफो आदि आपातानी नोपते खामती सब लोग ट्राइब लोग है, क्लासमेट लोग। अच्छा, लैंग्वेज कौन कौन सा है यहाँ पर? लैंग्वेज मेन तो हिंदी होगा। हाँ, हिंदी तो यहाँ बोलते हैं कंपल्सरी, इंग्लिश भी है और अपना ट्रेडिशनल भाषा। अच्छा, अपना जो नॉर्थ ईस्ट में वैसे मैंने देखा है कि अधिकतर लोगों को जो गांव में रहते हैं उनको भी इंग्लिश तो आती है, थोड़ी बहुत भी आती है, तो एजुकेशन के मामले में देख रहे हैं ना सर। ये पता है क्या है? क्या है ये? ये एक अच्छा, ये तो तुलसी जैसा लग रहा है। हाँ, ये एक एक गुटी को पकड़िए और एक बार ऐसा घिसिए और सुनिए, स्मेल कीजिए, बहुत तेज स्मेल अच्छा लग रहा है। इसका नाम है सीलम। सीलम? हाँ, इसका जो दाना होता है तिल का तारा होता है और ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, लेकिन ये तो मेरे को तुलसी जैसा है ये। हाँ, जो मैंने, इस तरह जंगली तुलसी ही है ये जंगली तुलसी नहीं है सर, इसको सीलम बोलते हैं। सीलम बोलते हैं, इसको लगाते हैं खेती पे। हाँ, लेकिन पेड़ का पत्ता। हाँ, और स्मेल जो दाना होता है उससे तेल भी निकलता है। अच्छा, और इसका जो दाना जैसे निकलेंगे तो आपका ये पत्ता है, अगर आपका पेट गर्म हुआ इसको पीस कर पी भी सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा गुड फॉर हेल्थ। देखिए, ये हर्बल है एक तरफ से। और ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है खकन। खकन? हाँ, ये खकन का पेड़ है। देखिए, ये बड़ा हो रहा है। ये दूसरा ब्रिज, ये ब्रिज है सर, और इसके नीचे एक छोटा सा नदी है, अभी नाला। अच्छा, यहाँ पर नाला छोटा है लेकिन ब्रिज उसका तुलना में काफ़ी बड़ा है। सीजन में अगर पानी अगर भर गया तो ये भी नदी की तरह हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उधर भी टी गार्डन वगैरह है, वहाँ तो जा सकते हैं क्या हम लोग? उधर ऊपर टी गार्डन, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। सो गाइस, ये थी हमारी अरुणाचल में पहली मॉर्निंग वॉक, और सुबह सुबह के नज़ारे आपको भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आप नेचर लवर हैं तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो आगे हम अरुणाचल के और भी, अरुणाचल पूरा अरुणाचल तो हम इस ट्रिप में नहीं घूमने वाले हैं, बल्कि जयरामपुर जो ये सिटी है, चांगलांग जिला में जयरामपुर जो शहर है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये जो जगह है, जयरामपुर जो शहर है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और आगे जाकर हम एक वॉर सीमेंट्री, वर्ल्ड वार टू वाली एक सीमेंट्री है,
वहाँ पर जाने वाले हैं, जो वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड यहाँ पर कुछ हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ के ट्रेडिशनल हाउस भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद और भी कुछ होगा जयरामपुर में ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे साथ हैं नो मेडिकल बॉय, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुझे @travelwithrd इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो मेरा आईडी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या चैट में आप मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक नई अरुणाचल की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। शुरुआत ही मैं दिखा दूंगा ये कुकरी। नो नो सर, ये ट्रेडिशनल छुरा, ये नॉर्थ ईस्ट में हर एक स्टेट में मिलेगा। अच्छा, अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या नाम है?